हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले जन्नत में थे, तो उस जन्नत से क्या मुराद, वो हकीकी जन्नत या फिर कोई दुनियावी बाग वगैरह था या कुछ और? आदम अलैहि सलातो सलाम को दुनिया में भेजने से पहले जहां रखा गया, जी कुरान पाक के अंदर जो उसका तस्किरा है वो इन अल्फाज के साथ है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, ठीक, ए आदम जी तुम और तुम्हारी बीवी जी दोनों जन्नत के अंदर रिहाइश इख्तियार करो। ठीक, जिसने कुरान पाक का मुताला किया है वो ये जानता है कि लफ्ज जन्नत जो है, वैसे तो लफ्ज जन्नत का मतलब होता है बाग। ठीक, हमारे जैसे हमारे हमारे अगर हमारे शहर के अंदर कोई बाग है तो अरबी जबान के अंदर उसे जन्नत ही कहते हैं। जी, ठीक है, लेकिन कुरान पाक के अंदर जब लफ्ज जन्नत किसी दुनियावी बाग के बारे में आए जी, तो सियाको सबाक के जरिए वाजे तौर पे पता चलता है कि कौन सा बाग मुराद है। ठीक, वो पता चलता है कि यहाँ पर दुनियावी बाग ही मुराद जी है। ठीक, लेकिन जब ऐसा कोई करीना ना हो जी, तो वहां पर जब लफ्ज जन्नत आएगा तो वो जन्नत का लफ्ज उस हकीकी जन्नत के लिए ही इस्तेमाल हुआ होगा, उस हकीकी जन्नत के लिए ही होगा जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए तैयार फरमाई है और जिसमें आखिरत में क्यामत के बाद मुसलमानों ने जाना है, और वो जन्नत पैदा हो चुकी है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, पिछले जमाने के अंदर भी कुछ लोग थे जिन्होंने इस बात का जो है ना वो जिक्र किया कि आदम अलैहि सलातो सलाम अपनी पैदाइश के बाद जिस बाग में ठहरे थे वो दुनिया ही का बाग था, और आजकल वो थोड़े से जो बेचारे अक्ल के मारे हुए जिनको जन्नत कहीं मिलती नहीं है तो वो कहते हैं कि वो जन्नत असल में पैदा होनी है, तो आदम अलैहि सलाम जिस जन्नत में ठहरे थे वो दुनिया का बाग था। लेकिन जो कुरान पाक का उसलूब है, जो कुरान पाक का अंदाज है, जो अहादीस मुबारका में उसकी तफसील है, उन सब की रोशनी के अंदर ये बात बड़ी वाज़े तौर पर सामने आती है कि उस जन्नत से मुराद वो हकीकी जन्नत ही है जिसमें मुसलमानों ने क़यामत के बाद दाखिल होना है। आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा उसी जन्नत में थे, उसी जन्नत से फिर दुनिया में तशरीफ लाए, और फिर कहा गया वलकुम फिल अर्द मुस्तकरुम व मताउन इला हीन, के उतर जाओ जन्नत से और अब तुम्हारे लिए दुनिया के अंदर ठिकाना है। अब ये जो कहा गया कि जमीन के अंदर तुम्हारे लिए ठिकाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले कहीं और थे। अगर पहले भी जमीन के अंदर ही थे तो फिर अब ये क्या कहना कि जमीन के अंदर तुम्हारे लिए ठिकाना है। लिहाजा उस जन्नत से मुराद वो हकीकी जन्नत ही है। हमारा अकीदा ये है, मुसलमानों का अकीदा ये है कि वो जन्नत पैदा हो चुकी है। कुरान पाक के अंदर कितनी ही जगह पर यह फरमाया गया उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत जो तैयार की गई है मुत्तकियों के लिए। उइद्दत ये माजी का सीगा है, ये पास्ट का सीगा है, उसका मतलब ये है कि ये तैयार हो चुकी है, ये बन चुकी है, ये वजूद में आ चुकी है, ये एग्जिस्ट करती है। और उस जन्नत के अंदर हजरत आदम और हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को भेजा गया, तो लिहाजा आप उसी जन्नत में थे जो हकीकी जन्नत है, वो दुनिया का कोई बाग नहीं।